सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडर रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी के पाठ्यक्रम में एक पुस्तक है बाल महाभारत, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं युद्ध का, जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, महाभारत में जो युद्ध हो रहा है उसमें 12 दिन का जो युद्ध है उसमें हम लोग पहले से और 12वें दिन की सारी कथा को पढ़ रहे हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन का युद्ध हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो अब चौथा, पाँचवा, छठा दिन है जब युद्ध होने वाला है। पौ फटी माने सूर्य हुआ, सूर्य सूर्योदय हुआ, पौ फटी, पौ फटना, पौ फटना का मतलब होता है सूर्योदय होना। पौ फटी, लड़ाई शुरू हो गई, शल्य का पुत्र मारा गया। सूर्य उदय हुआ, युद्ध शुरू हुआ और शल्य पुत्र मारे गए, ठीक है। शल्य एक राजा थे, उनके जो पुत्र हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले, और भीमसेन अकेले ही दुर्योधन के 8 भाइयों को उन्होंने मार डाला। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन को छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा, वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना को विवल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। अब इधर जब भीम जो है दुर्योधन के 8 भाई को मार डालते हैं, दुर्योधन को काफी क्रोध आता है और वो एक बाण मारता है भीम को। भीम को काफी चोट आती है, वो मूर्छित से होकर गिर पड़ते हैं। और जब ये देखता है घटोत्कच, तो घटोत्कच को बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद फिर वो कौरव सेना पर टूट पड़ता है और पूरी सेना में खलबली मचा डालता है, बहुत बुरी हालत कर देता है घटोत्कच। तो ये जब हाल देखते हैं, कौन, भीष्म देखते हैं, क्योंकि भीष्म सेना नायक है, तो सेना को तुरंत वापस लौटने का आदेश देते हैं, ठीक है। सेना वापस हो जाती है, सभी लोग बड़े चिंता मग्न हो जाते हैं। अभी घटोत्कच कौन है, तो देखिए, जो भीम है, जब भीम पांडव जो है वनवास काट रहे थे 12 वर्ष का, उसी बीच भीम जो है जंगल में अपने माता पिता, अपने माता और भाइयों के साथ, ठीक है, आराम कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि वहां पर एक राक्षस आता है। असल में वो जिस जगह पर होते हैं उस जगह का नाम होता है हिडिम। तो भीम जो है वहां पर एक राक्षस होता है हिडिम, उसको मारते हैं, और उसकी एक बहन होती है, उसका नाम होता है हिडिम्बा। तो भीम हिडिम्बा से बाद में शादी कर लेते हैं, उससे उनका विवाह हो जाता है। तो उसके बाद इनका जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम है घटोत्कच। उनका नाम है घटोत्कच। तो घटोत्कच जो है बहुत शक्तिशाली होता है, और घटोत्कच जो है फिर वो कौरव सेना पर टूट पड़ता है और उनकी बुरी दुर्गत कर देता है। तो देखिए, उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया। उसकी आंखें भराई, संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे, वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता, तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक हल्का कर लेते थे। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा, इसी प्रकार सोचते सोचते से नींद आ गई। अब दुर्योधन जब शिविर में पहुंचते हैं तो बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं, अपने भाइयों के मृत्यु पर बहुत शोक करते हैं, बहुत आंसू बहाते हैं, बहुत व्यथित हो जाते हैं। आखिरकार युद्ध तो उनके कारण ही हो रहा था, उनके अपने लोग रोज मारे जा रहे हैं, इस बात से बड़े व्यथित थे। और ये सारा हाल जो है वो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे होते हैं। अब ये हाल कैसे सुनाएंगे, तो देखिए क्या होता है कि जब युद्ध शुरू होता है उससे पहले जो व्यास हैं, वेद व्यास जो है, व्यास मुनि पहुंचते हैं धृतराष्ट्र के पास और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तुम इस युद्ध को होने से रोक सकते हो, तुम इस युद्ध को रोको, दुर्योधन तुम्हारा बेटा है, उसको समझाओ, वो नहीं मानता उसको सजा दो, उसको जेल में डाल दो, उसको कारागार में डाल दो, लेकिन तुम इस युद्ध को रोक लो। उसको कहते हैं कि पुत्र मोह को त्याग दो, लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो व्यास मुनि तो समझाने आए, तो जानते हैं, तो कहते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ ताकि तुम युद्ध का हाल देख सको, अपने ही लोगों को लड़ते मरते देख सको। तो कहता है नहीं नहीं, आप मेरे दिव्य दृष्टि मत दीजिए, आप मेरे बदले संजय को दे दीजिए। वहाँ संजय होता है, संजय जो है सारथी होता है उसका, संजय बोलते हैं संजय को दे दो, तो संजय को दिव्य दृष्टि दे देते हैं। तो संजय वहाँ से बैठे बैठे त्रिकालदर्शी के रूप में सब कुछ उनको दिखता है, वो युद्ध का पूरा हाल वहीं बैठे बैठे सुना रहे होते हैं किसको, धृतराष्ट्र को। जब वो धृतराष्ट्र को पूरा हाल सुनाते हैं तो सुन करके धृतराष्ट्र बड़े दुखित हो जाते हैं, बड़े व्यथित हो जाते हैं, और कभी कभी उनका दुख इतना भारी हो जाता है कि मन को हल्का रखने के लिए वो उठ जाते हैं, उठकर कुछ यहाँ वहाँ की बातें करते हैं संजय से ताकि उनका मन हल्का हो जाए। और दुर्योधन इसी सब चिंता में डूबा रहा, और डूबते डूबते डूबे डूबे शोक में उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला।
सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा, दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपने अपनी छावनी की ओर चले गए। अब चौथे दिन यह घटना हुई। पांचवें दिन जो दुर्योधन, जो अर्जुन है, वो भयानक युद्ध करते हैं और हजारों कौरव सेना सैनिकों को नींद, मौत की नींद सुला देते हैं। हजारों कौरव सैनिक मारे जाते हैं उनके आगे। तो इससे जो पांडव हैं उनकी सेना में बड़ा उत्साह पैदा होता है और पांडव के जो बड़े बड़े जो भी वीर योद्धा हैं वो सब अर्जुन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अर्जुन की जय, अर्जुन की जय, अर्जुन की जय, अर्जुन की जय जयकार करने देते हैं। पूरा आकाश, पूरा दिगंत गुंजायमान होता है। और ये देख करके फिर जो कौरव सेना है उसकी तो हालत खराब हो ही जाती है, इतने सारे सैनिक मारे जाते हैं। तो उसके बाद संध्या होती है, युद्ध बंद होने का आदेश देते हैं भीष्म, और फिर सभी सैनिक जो है, जो बचे होते हैं, वो सब लौटकर अपने शिविरों में पहुंचते हैं। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी, पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव अकड़ गए। छठवें दिन क्या हुआ, फिर युद्ध शुरू हुआ, दोनों ओर से भीषण युद्ध होने लगा। लेकिन इस दिन जो कौरव सेना में जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने भारी तबाही मचाई, पांडव सेना को बहुत क्षति पहुंचाई, बहुत सारे पांडव सैनिक मारे गए और सब लोग त्राही त्राही करने लगे, भगदड़ मच गई पांडव सेना में। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला, सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि दृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया, उनकी खुशी की सीमा न थी। अब जब यह घटना, द्रोणाचार्य जी ने जब बहुत ज्यादा पांडवों के सैनिकों को मार दिया तो बहुत ज्यादा हानि हो गई, तो पांडव सेना बड़ी मतलब धीरज खोने लगी। अब उसके बाद तो और अंधाधुंध युद्ध होने लगा, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। और उसी युद्ध में जो है दुर्योधन जो है घायल होकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो जो कृतवर्मा हैं, कृपाचार्य हैं, कुलगुरु कृपाचार्य जो हैं, जो कौरवों के कुलगुरु हैं, कौरव पांडवों के दोनों के ही कुलगुरु थे वो, तो जो कुलगुरु कृपाचार्य हैं वो बड़ी सावधानी से दुर्योधन को रथ में बिठाते हैं और वापस उसको शिविर में ले जाते हैं। और उसके पश्चात युद्ध, आकाश लाल हो जाता है, युद्ध लगभग समाप्त होने की स्थिति में होता है। लेकिन जब तक सूर्य पूरी तरह नहीं डूब जाता तब तक युद्ध होता रहता है, थोड़ा युद्ध चलता ही रहता है। अब इधर जो है युधिष्ठिर के शिविर में कुछ समय के पश्चात जब धृष्टद्युम्न और भीम पहुंचते हैं तो लोगों को बड़ी, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि आज इन्होंने बड़ा भीषण युद्ध किया था दोनों ने मिलकर, और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये दोनों लौट कर वापस आएंगे। लेकिन जब दोनों लौट कर आते हैं तो लोग बड़ी खुशी मनाते हैं। आगे देखिए, सातवें दिन का युद्ध केंद्रित तथा बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। अब छठवें के बाद जब सातवां दिन आता है तो उस दिन जो युद्ध था उसका कोई केंद्र नहीं था, बल्कि अलग अलग युद्ध अलग अलग मोर्चे पर हो रहा था। दो अलग वीर उधर लड़ रहे थे, दो अलग वीर उधर लड़ रहे थे, तो ऐसे अलग अलग वीर, बड़े बड़े वीर सब आपस में लड़ रहे थे। पहले क्या था, एक सेना एक तरफ, दूसरी सेना एक तरफ, ऐसे युद्ध हो रहा था, केंद्रित थी सेना। लेकिन अब जो है आज बिखरा हुआ था, केंद्र में कोई नहीं था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध हो रहा था। हर मोर्चे पर बड़े बड़े वीर आपस में युद्ध कर रहे थे। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था। अब एक स्थान पर तो भीष्म और अर्जुन में युद्ध हो रहा है, ये जो है द्रोणाचार्य जो विराट राज है जहां पर इन लोगों ने अपना अज्ञातवास काटा था, उन दोनों के बीच भारी युद्ध हो रहा है। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही। एक दूसरा मोर्चा था जहां पर अश्वत्थामा और शिखंडी दोनों में लड़ाई हो रही है। शिखंडी मैंने आपको बताया, ठीक है, जो अंबा है वही शिखंडी है, वो भीष्म से बदला लेने के जन्म पर जन्म लेती है, ठीक है, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और वो उनको हर के ले आते हैं अंबा, अंबिका और अंबालिका को, ठीक है। तो जब उनको हर के ले आते हैं तो अंबा कहती है कि मैं तो किसी और को अपने मन से पति मानती हूँ, तो उनका विवाह नहीं होता। लेकिन अब उनको अपनाएगा कौन, जिस राजा को वो चाहती थी उनके पास जाती है तो उनको मना कर देते, नहीं चूंकि तुमको तुम्हारा हरण कर लिया गया, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तो वो कहती है ऐसे में तो भीष्म को मुझसे विवाह करना चाहिए, लेकिन भीष्म मना कर देते हैं। तो फिर वो जंगल में तपस्या करने चली जाती है और भीष्म बदला लेने के लिए जन्म पर जन्म लेती है, और फिर बाद में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। तो अब यहाँ पर शिखंडी और अश्वत्थामा, शिखंडी भी बहुत बड़े वीर हैं, उनका अश्वत्थामा में काफी युद्ध हो रहा है। एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्धरत थे, एक जगह पर धृष्टद्युम्न और जो दुर्योधन है, मतलब दो महावीर, अलग अलग महावीर अलग अलग मोर्चों पर युद्ध कर रहे हैं। तो आज का युद्ध ऐसा है, एक ओर नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे, दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युद्धमान्य से लड़ते दिखाई रहे थे। एक तरफ तो शल्य राज जो है, ठीक है, वो नकुल और सहदेव के मामा थे, दोनों उन पर बाण बरसा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है युद्धमान्य जो है, ठीक है,
अवंती के दो राजकुमार जो युधामन्य से लड़ा युधामन्यु जो है उनसे लड़ते दिख रहे हैं। एक मोर्चे पर दुर्योधन के चार भाइयों की अकेला भीम से खबर ले रहा था तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद छिड़ा हुआ था। एक तरफ जो है भीमसेन थे और दुर्योधन के चार भाई उनसे मिलकर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जो है घटोत्कच और भगदत्त, ये दोनों में काफी संग्राम छिड़ा हुआ था, काफी भयानक युद्ध चल रहा था। एक और मोर्चे पर अलम्बुस और सात्यकी की टक्कर थी। एक और मोर्चा था जहां पर अलम्बुस और सात्यकी, ठीक है, सात्यकी जो कृष्ण के साथ गए थे, सात्यकी जब कृष्ण जा रहे थे तब उनके साथ गए थे वो, तो सात्यकी और अलम्बुस इन दोनों में भारी युद्ध हो रहा था। युधिष्ठिर का सुतायु के साथ बंद हो रहा था, जो युधिष्ठिर थे वो सुतायु से लड़ रहे थे, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। जबकि जो कुलगुरु कृपाचार्य और चेकितान, कृपाचार्य जो कौरव की सेना से है और चेकितान जो है वो पांडवों की सेना, दोनों में युद्ध हो रहा है। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। सातवें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग किए, परंतु यह युद्ध अधिक देर नहीं चला, सूरज अस्त होने लगा और युद्ध बंद हुआ। अब जो विराट पुत्र हैं कुमार और उत्तर और श्वेत, उनके नाम थे, विराट के तीन पुत्र थे उत्तर और श्वेत, ठीक है, और एक का नाम शंख था। तो उत्तर और श्वेत दोनों पहले ही दिन मारे गए। अब विराट जो राज उनके साथ युद्ध हो रहा है द्रोणाचार्य का, बाद में पिता के देखते देखते जो शंख है उनके तीसरे पुत्र, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो बड़ा माहौल बड़ा गमगीन सा हो जाता है, ठीक है, और बड़ा कारुणिक दृश्य हो जाता है। और उसके बाद फिर जब सूर्यास्त होता है तो युद्ध समाप्त होता है। आठवें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के आठ बेटों का वध कर दिया। यह एक ऐसी घटना हुई जिससे अर्जुन शोक विह्वल हो उठा। उसका लाडला साहसी और वीर बेटा इरावान जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था उस दिन खेत रहा। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावान मारा गया तो उसने इतनी जोर से गर्जना की कि जिससे सारी सेना थर्रा उठी। उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। अब जब सातवें दिन आठवें दिन का युद्ध शुरू होता है तो जो भीम है वो अकेले ही धृतराष्ट्र के आठ पुत्रों का वध कर देते हैं, आठ पुत्रों को मार डालते हैं। और उस दिन एक और घटना घटती है कि जो इरावान है, अर्जुन और एक नाग कन्या, अर्जुन का एक नाग कन्या से विवाह होता है और उस नाग कन्या से फिर एक पुत्र पैदा होता है, इसका नाम है इरावान। तो इरावान की जब मृत्यु होती है तो उससे अर्जुन बड़े शोक विह्वल हो जाते हैं, ठीक है, बड़े दुखी हो जाते हैं उनका पुत्र मारा जाता है। और ऐसा जब इरावान मारा जाता है तो जो घटोत्कच है वो जब देखते हैं कि इरावान मारा गया तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और फिर वो सारी कौरव सेना पर जो है प्रलय बनकर टूट पड़ते हैं और घोर हाहाकार मचा देते हैं, बहुत जोर से गर्जना करते हैं और उसके बाद फिर कौरव सेना पर टूट पड़ते हैं, कौरव सेना को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। तो युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई हो, उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया। भीमसेन के आ जाने पर युद्ध की भयानकता और भी अधिक हो गई, परंतु जल्दी सूर्यास्त होकर युद्ध बंद हो गया। अब जब गुस्से में घटोत्कच आगे निकल जाते हैं, कौरव सेना पर टूट पड़ते हैं, तो युधिष्ठिर को चिंता होती है कहीं ऐसा होना घटोत्कच पर कोई समस्या, कोई विघ्न आ जाए, ठीक है, कोई मुसीबत पैदा हो जाए, तो भीमसेन को आदेश देते कि जाओ तुम घटोत्कच अपने पुत्र की रक्षा करो, ठीक है। और भीमसेन जब वहां पहुंचते हैं तो एक से भले दोनों मिल जाते हैं और फिर भारी तबाही मचाते हैं। उसके बाद सूर्यास्त होता है और युद्ध बंद होता है। नवे दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुस में घोर संग्राम छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की भांति रण कौशल का परिचय दिया। पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति की। अब नवे दिन क्या होता है, जो अलम्बुस है और अभिमन्यु है, अभिमन्यु धनंजय पुत्र है, अर्जुन का एक नाम धनंजय, अर्जुन का एक नाम जो है वो धनंजय, अर्जुन के कई नाम है उसमें से एक नाम उनका धनंजय है। तो धनंजय पुत्र कौन है, धनंजय पुत्र है अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु है धनंजय पुत्र। तो अभिमन्यु और अलम्बुस में युद्ध घोर संग्राम छिड़ता है। धनंजय के पुत्र ने पिता की भांति रण कौशल का परिचय दिया। अब जो धनंजय के पुत्र है मतलब अभिमन्यु, जो उन्होंने अपने पिता के समान रण कौशल का परिचय दिया, बहुत अच्छे से युद्ध किया। और उसी दिन जो पांडवों की सेना, जो पितामह भीष्म है, उन्होंने पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई उसी दिन आठवें दिन नवे दिन, यहां तक कि अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे, थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ, उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। अब जब भीष्म पितामह ने भारी तबाही मचाई तो इससे अर्जुन और जो कृष्ण हैं उनको बहुत पीड़ा हुई, बहुत सारे सैनिक मारे गए। फिर किस तरह से सूर्यास्त हुआ और सूर्यास्त होने के बाद युद्ध बंद हुआ। तो अभी इस भाग में बस इतना ही बच्चों, इसके आगे वाला भाग हम लोग अगले पाठ हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।